हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू विनाईएस इंदौर। मैं हूँ वैष्णवी शुक्ला। हम लोग पढ़ रहे थे पटवारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि पटवारी का तो कोई प्रीवियस ईयर है नहीं, तो हम लोग व्यापम के जो भी प्रीवियस ईयर से उनको लगाएंगे। कल ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हमारा वीडियो बीच में रुक गया था। एक्चुअली अभी स्टूडियो जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है और कुछ चीज़ों की इसमें दिक्कत है, तो रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो नहीं पाई थी और इसी क्वेश्चन पे हमारी चीज़ें रह गई थी, यानी हमारी बातें आधी रह गई थी इसी क्वेश्चन पे। तो हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे और कल जो भी बातें करनी थी वो हमने कर ली थी। मेरी वैसे भी क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, कभी कभी करेंगे अपन, ठीक है, बट कोशिश करते हैं कि आपका और मेरा दोनों का ही समय बर्बाद ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा था आपको बताना था डिटरमिनर, और मैंने ये चारों ऑप्शन आपको समझा दिए थे। वेयर इज आई कैन रिमेंबर, मैंने आपको इधर का मतलब बताया था क्या, दो में से कोई एक, एवरी का मतलब मैंने बताया था आपको क्या, सभी, एनी मतलब मैंने बताया था कोई, और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो एनी है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ यूज़ किया जा सकता है, पॉजिटिव के साथ कभी भी एनी यूज़ नहीं किया जाएगा। एज वेल एज मैंने आपको बताया था ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और मैंने आपको ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस भी बताया था, ठीक है। आई थिंक इसी दौरान में हमारा वीडियो रुक गया था। और एक और चीज़ याद आ गई है एनी से, समझ लीजिए यहीं पे, एक एनी का ही भाई होता है सम। सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि एनी के लिए मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ ही एनी लग सकता है, और सम जो है वो उसका ठीक उल्टा है, यानी है तो भाई लेकिन थोड़े उल्टे भाई हैं, यानी सम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के साथ लगेगा, सम को आपको कभी भी नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव के सेंस में नहीं लगाना है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, सम एक्चुअली आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, अगर होता तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते और बहुत सारे लोग आप में से 90% लोग सम लगा गए थे, जो कि गलत होता। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो अच्छा हुआ सम दिया नहीं है, अदरवाइज बहुत सारे लोग लगा के आते और गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तक सारी कहानी समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पत्र, कोई पत्र है, यानी जो तुमने पत्रों के यानी लेटर्स के जो गुच्छे हैं, यानी गुच्छे मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लेटर्स होंगे, तो उसमें से क्या कोई लेटर मेरे लिए है, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन आपके कट जाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा, चलते अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। और एक और बात मेंशन करना चाहूँगी मैं कि जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी देती हूँ, वो आप कहीं ना कहीं जॉट डाउन करते रहें, नोट डाउन करते रहें, ठीक है, क्योंकि ये कथा जैसे बैठ के देखने में कोई मतलब नहीं है इस क्लास का, है ना, फिर वो टाइम ख़राब करने जैसी बात होगी, इस सच्चा पर जाके सो जाना आप, ठीक है। तो अगर खाली ऐसे ही लेके देखते हो तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रोग्रेसिव टेंस या फिर कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सबसे पहले इस बात पे आपका ध्यान गया होगा, कंटिन्यूअस टेंस पे गया होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, मैंने कहा आज कंटिन्यू बारिश हो रही है, मतलब लगातार बारिश हो रही है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई भी किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, तीन टेंस होते हैं हमारे पास, है ना, यानी कि समय तीन ही तरीके से बताया जा सकता है ना, एक आज का, एक कल का और एक जो आने वाला होगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में ही कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। और कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि उसमें जो हमारा काम है वो लगातार चल रहा होगा, ठीक है। अगर काम लगातार चल रहा होगा तो ये तो हिंदी में आपने बोल दिया, हम समझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो देखो किसी भी टेंस को वो कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं है, ये जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमेशा हमेशा उसकी जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, ठीक है, वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगी, फोर्थ फॉर्म में होगी, ठीक है, फोर्थ फॉर्म में। ठीक, फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। कुछ लोग जीरंड से फोर्थ फॉर्म को कंफ्यूज करते हैं, तो जीरंड वगैरह अपन आगे देखेंगे, थोड़ा ठीक ठाक चीजें हैं वो, शुरुआत बेसिक से ही करते हैं अपन, ठीक है। अब यहां पे देखो आप कि ये तो बेसिक चीज़ थी कि हाँ कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने की क्या तरीका होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा है माय नेबर्स, यानी मेरे पड़ोसी, डैश अस एवरी डे, यानी इनके पड़ोसी जो हैं वो कुछ करते हैं रोज, ठीक है। अब क्या करते हैं वो ऑप्शंस में देखेंगे, तो ट्रबलिंग, ट्रबलिंग, ट्रबलिंग और ट्रबल, ट्रबल या ट्रबलिंग इसका मतलब क्या होता है, परेशान या परेशानी, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम इन ट्रबल, मतलब मैं परेशानी में हूँ, मुश्किल में हूँ, और मैंने कहा ही इज़ ट्रबलिंग मी, यानी वो मुझे परेशान कर रहा है, तो ट्रबल का मतलब क्या होता है, परेशान करना या होना, लिख देती हूँ, ठीक है।
ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि कंटिन्यूअस टेंस की बात अगर कही गई है, और मैंने अभी बताया कि कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब है वो चौथे फॉर्म में होती है, तो एक ऑप्शन तो आपने ऐसे ही काट दिया होगा, ठीक है। अब आपके पास तीन बचे होंगे। अब एक बात समझिएगा कि चौथा फॉर्म जो है मेन वर्ब का, चौथा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, ये ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं आते, इनके पास कुछ पहले इनके एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए पड़ती है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे ट्रबलिंग है, तो ट्रबलिंग कभी भी अकेला नहीं आ जाएगा कि माई ट्रबलिंग्स, आई मीन सॉरी माई नेबर्स ट्रबलिंग अस एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रबलिंग नहीं आ जाएगा, इसके लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए पड़ेगी हमें। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, तो देखो दो ही जगह है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी ये ऑप्शन भी हमने काट दिया, ठीक हो गया, दोनों कट गए। अब देखेंगे अपन कि इज ट्रबलिंग होगा या आर ट्रबलिंग होगा। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है तीन, इज एम आर, ठीक, इज होता है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, एम होता है आई के साथ लगता है, और जो आर है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो माई नेबर्स, नेबर्स में एस लगा है, क्या है ये, प्लूरल है, मेरे पड़ोसी, यानी एक से ज़्यादा पड़ोसी। अब अगर ये प्लूरल है तो इज तो लग नहीं सकता, क्योंकि अभी बताया इज जो है वो सिंगुलर के लिए होता है। क्या बचता है, ऑप्शन नंबर थ्री, आर ट्रबलिंग, ठीक है, माई नेबर्स आर ट्रबलिंग अस एवरी डे, यानी हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमें रोज परेशान करते हैं। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है प्रपोजिशन, है ना। प्रपोजिशन बहुत मतलब ग्रामर का सबसे टफ जो है टॉपिक माना जाता है, और जबकि ऐसा है नहीं, है ना, आप पढ़ने का तरीका आपका सही नहीं होता है, अगर हो तो ऐसा कोई टफ वफ नहीं रहता। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, द कैट जंप्ड डैश द टेबल। अब देखो सबसे पहले चारों ऑप्शन देखो, एट क्या होता है, एट बताता है आपका क्या, एट बताता है एक्चुअली प्लेस बताएगा, टाइम बताएगा, कंडीशन बताएगा, लेकिन एकदम फिक्स वाली, ठीक है, एकदम फिक्स वाली, क्रिस्प वाली। जैसे मान लो मैंने कहा सुबह, ठीक है, अब सुबह कितने बजे, मैंने कहा सुबह, तो सुबह कितने बजे, क्लियर नहीं है तो एट नहीं लगेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने कह दिया होता सुबह 7 बजे, तो वहाँ पे आप एट लगा देते, यानी एट जो है वो फिक्स चीज़ें बताएगा, टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, ठीक है, कंडीशन बताएगा, सिचुएशन बताएगा, है ना, ये सारी चीज़ें बताएगा, लेकिन फिक्स वाली, क्लियर कट वाला। और जो इन है ये इसी का भाई है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा भाई है, ये भी सब वो चीज़ें बताएगा जो एट बताएगा, लेकिन ये कैसा बताएगा, राउंड अबाउट, यानी आजू बाजू का। जब क्लियर कट पता हो तो एट लगाएंगे, जब नहीं पता हो तो इन लगाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, दो गोला बनाइएगा, ठीक है, ये छोटे गोले को हम दे देंगे एट, और बड़े गोले को हम दे देंगे इन। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो जो भी चीज़ क्लियर कट होगी, छोटी सी होगी, वो किस में, उसमें हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, और जो भी चीज़ उसके आजू बाजू की होगी उसमें इन लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई लिव इन मध्य प्रदेश एट इंदौर। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आई लिव एट मध्य प्रदेश इन इंदौर, ठीक है, क्यों नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी हमने बंटवारा किया है, और इस बंटवारे में हमने जो बड़ा भूभाग है वो दिया है इनको, और जो छोटा भूभाग है वो हमने दिया है एट को। मध्य प्रदेश बड़ा है या इंदौर बड़ा है, तो जैसे आप कहोगे मैम यार कैसी बातें कर रहे हो, मध्य प्रदेश के अंदर ही तो आता है इंदौर, है ना, अब अंदर आता है तो जाहिर सी बात है छोटा ही है। तो यानी जब भी छोटी छोटी जगह बताऊँ, जैसे मान लो कभी कभी, और ये बहुत बार सवाल पूछा गया है ना, कभी दिल्ली लगा के दे देगा, कभी अमेरिका लगा के दे देगा, कभी तुम्हारा कुछ भी लगा के दे देगा, कोई भी जगह कोई भी चीज़, बट ये एट और इन एक साथ पूछते हैं ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ बड़ा वाइडन एरिया कवर करेगी, वाइडन चीज़ कवर करेगी, उसको हम इन देंगे, और जो थोड़ा छोटा एकदम क्लियर कट करेगी उसको हम एट देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद आ जाइए आप ऑफ में। ऑफ के दो यूज़ होते हैं, ठीक, एक होता है तो बंद करना, क्लोज करना, बंद करना कहते हैं ना, लाइट ऑफ कर दो, ठीक है, है ना। ये राइटिंग एक तो वैसे ही गंदी है और इस बोर्ड में और ही गंदी आती है। चलो एक तो होता है बंद करना, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जब आप किसी भी चीज़ को छोड़ते हो, किसी सतह से जब आप अलग हो जाते हो, या कोई भी चीज़ जब किसी एक सतह से अलग हो जाती है, किसी एक सरफेस से अलग होती है, तो इन दैट केस हम ऑफ यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी चीज़ किसी सतह से अलग होती है, किसी सरफेस से अलग होती है, किसी चीज़ से अलग होती है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है, किस पे, अलग होने के सेंस में, ठीक। अब वो कैसे, तो सतह से, सतह मतलब वही सरफेस से, या किसी भी चीज़ से अलग हो, ठीक है। मैं तो सतह लिख दिया है मैंने ऐसे मोटा मोटा याद। अरे देखो दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में,
एक होता है क्या, ब्रेकअप, और एक होता है ब्रेक ऑफ। इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। एक होता है ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से संबंध खत्म हो जाना। हम वहाँ पे ऑफ, ओ एफ वाला नहीं, ओ डबल एफ वाला ऑफ लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, एक तो ब्रेकअप होता है जिससे आप सब गुजर रहे होंगे बेरोजगारी के कारण या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और एक होता है ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ आपका किसी से भी हो जाए, यानी ब्रेकअप जो है वो आप जनरली जो इमोशनल अटैचमेंट वाली चीज़ें हैं उन्हीं के साथ आप यूज़ करते हैं, और जो ब्रेक ऑफ है वो आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं, किसी से भी आप अलग हो आप ब्रेक ऑफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो ऑफ का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब ये ओ एफ वाला ऑफ है, ये क्या बताता है, ये बताता है किसी भी चीज़ की बिलोंगिंग को, किसी भी चीज़ की बिलोंगिंग को बताता है। बिलोंगिंग मतलब किसका किससे संबंध है उसको बताता है, क्या ऑफ बताता है, ठीक। अब देखो दो चीज़ें हैं, है ना, याद आ गई, जैसे जैसे याद आता जाएगा बताते जाऊंगी। एक और बात, जो लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने के हिसाब से आते हो कि मैं आज मतलब 100 क्वेश्चन लगा के जाऊंगा आधे घंटे में, तो वो लोग ना आए। कारण ये है कि ये क्वेश्चंस इसलिए लेके आती हूँ ताकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता सकूँ, क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए नहीं आती हूँ। वो आप व्यापम की वेबसाइट में आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे, है ना, आपको आंसर की के साथ ही पेपर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे अच्छे सीखने के लिए आते हैं रैदर की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो, अब मुझे याद आ गया, दो चीज़ें होती हैं मरने के लिए, ठीक है। एक होता है कि एक्सीडेंट से मर जाना, ठीक है, और एक होता है किसी बीमारी से मरना, ठीक। अब आप क्या, आपको पता है कि बीमारी से मरने के सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं और किसी एक्सीडेंटल चीज से मरने में हम लोग क्या लगाते हैं? तो देखो, जब भी किसी की मृत्यु बीमारी से होता है, होती है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही डाइड ऑफ कैंसर, हमने ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि कैंसर एक बीमारी है और कोई आकस्मिक बीमारी नहीं है। कैंसर की स्टेज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, ठीक। तो ये स्टेज वाला है, बीमारी है लंबी, ठीक। तो इस केस में हम लोग ऑफ लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा कोई किसी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, अब क्या बोलूंगी मैं, क्या मैं बोल सकती हूँ कि ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक? नहीं बोल सकती हूँ, गलत है। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक आकस्मिक होता है, वो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो एक एक्सीडेंटल फिनोमेना है, है ना। जैसे मैं खड़ी हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे अटैक आ जाए और मैं यहीं मर जाऊँ, पर मरूंगी नहीं, मैं लंबा जीऊंगी, तो ठीक है। तो जब भी आपके पेपर में ऐसा आए, अब ये फिल इन द ब्लैंक आए कि ही डाइड डैश डैश हार्ट अटैक, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है, उल्टी, दस्त, कॉलरा, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, उल्टी दस्त बीमारी नहीं होता, ठीक है। तो इन सब के लिए आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, याद रखिएगा। जब किसी भी एक्सीडेंटल चीज़ से आपकी किसी की भी डेथ होती है तो आप फ्रॉम लगाते हैं, और जब किसी की डेथ किसी बीमारी से होती है तो आप क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं ऑफ, ओ एफ वाला ऑफ, ठीक है, ओ डबल एफ वाला नहीं, ठीक। और बाकी तो फॉर आपको पता ही होगा, डाइड फॉर मतलब किसी चीज के लिए मरना। जैसे मैंने कहा कि कोई देश के लिए मर गया, ठीक है, हालांकि देश के लिए शहीद होते हैं लोग, पर मैं जस्ट इंग्लिश के उसमें बता रही हूँ, अभी कुछ लोग इस पे भावनाएं पकड़ने लग जाएंगे। वेल, तो ठीक है, समझ गए हो, है ना, कि देश के लिए मरना यानी डाइड फॉर लगा दोगे वहाँ पे। तो इतना डिस्कशन काफी था इस क्वेश्चन पे। अब आप एक चीज समझिएगा कि जो कैट है वो जंप मतलब कूदना, ठीक है, तो द कैट जम्प्ड डैश टेबल। अब कैट जो है वो, बिल्ली जो है वो टेबल के कहाँ कूदी होगी, ठीक है। ऑप्शंस में चलते हैं, देखते हैं, क्या हम कुछ संबंध बता रहे हैं बिल्ली का टेबल के साथ? नहीं भाई, है ना, नॉन लिविंग का क्या संबंध होगा। अब देखो, टेबल, टेबल कैसा होता है ऐसा, है ना। अब बिल्ली टेबल के अंदर कैसे कूद जाएगी यार, टेबल की तो सतह होती है ना, सरफेस होती है, तो इन तो नहीं लगाएंगे, है ना। एट, क्या बिल्ली टेबल के अंदर कूदी है? नहीं कूदी। अगेन एट जो है ना वो उसी पे, उसी सेंस में जाएगा, अंदर वाले सेंस में ही जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। भाई ऐसा हो सकता है कि बिल्ली जो है वो टेबल को छोड़कर कूदी हो, यानी पहले वो टेबल में रही हो और अब टेबल से जंप कर गई हो, तो उसने, बिल्ली ने सतह छोड़ी ना टेबल की, तो इन दैट केस हमें अब ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, या वर्ब बतानी है आपको। और क्वेश्चन कह रहा है कि वी सीम डैश अ प्रॉब्लम विद द रेडियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। तो देखो, वी सीम, अब ऑप्शन ऑप्शन वाइज चलेंगे अपन, है ना, कौन सी वर्ब यहाँ पे सुटेबल हो जाएगी, ये अपन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो ये कह रहा है कि वी सीम डैश अ प्रॉब्लम विद रेडियो, हम देख पा रहे हैं कि रेडियो के साथ कोई समस्या है, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब वही समस्या, ठीक है। तो वी सीम टू हैविंग, अब देखो मैंने क्या कहा था कि हैविंग ये डायरेक्ट नहीं आता है वर्ब का फॉर्म, इसके पहले इसको कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ठीक। अब इसके बाद सीम के बाद आप हमेशा याद रखिएगा कि टू आता है,
ठीक है, सीम के बाद अगर आपको कुछ लिखना है तो आप हमेशा प्रपोजिशन टू लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर हैड चला जाएगा, वी सीम हैड अ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सीम के साथ हमें टू चाहिए। अब जैसे मैंने टू बोला, आप सब कुछ काट कर ऑप्शन नंबर टू पर जंप कर गए होते, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये जो हैव है, ठीक है, ये जो हैव है ये एक्चुअली जो है ये मेन वर्ब नहीं है, है ना, ये हैव जो है मेन वर्ब नहीं है कि फिर आप देखो कि भाई अब इसके लिए, सॉरी मेन वर्ब कह रही हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि आप अब इसके लिए थर्ड फॉर्म ढूंढो। यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो ये है, ठीक है, ये हैव का मतलब होता है होना या पास होना या महसूस होना, उसको कहते हैं हैव, ठीक है। आई मीन उस केस में भी हैव यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ बुक, तो यहाँ पे जो हैव है वो क्या बता रहा है कि मेरे पास एक बुक है, ठीक है। यहाँ पे हैव जो है वो थर्ड फॉर्म या परफेक्ट टेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बढ़ते आगे, अपन समझ आ गया होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो, आई डैश टू डांस बट नाउ आई डैश, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मीन अच्छा तो नहीं कहूँगी क्योंकि आसान है सारे के सारे। देखो एक चीज़ होती है, एक मॉडल वर्ब होता है आपका यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू याद रखना, ईडी लगेगा, यूज नहीं रहेगा कभी खाली, ठीक है। तो यूज्ड टू, ठीक, वी यूज्ड टू, अच्छा अब तो मैंने आंसर ही बता दिया, वी नहीं है वैसे तो आई लिखा हुआ है, चलो ठीक है हटाओ तो पहली क्यों बुझाना। यूज टू हमारा एक मॉडल वर्ब होता है जो बताता है हमारी पास्ट की किसी हैबिट को, यूज टू हमारा एक मॉडल होता है जो बताता है हमारी पास्ट की यानी पुरानी जो है किसी भी हैबिट को कि हम पहले ऐसा किया करते थे, तो आई यूज टू डू दिस, ठीक है, आई यूज टू डू इट, ठीक है, तो ये पुरानी हमारी किसी हरकत को बताता है, पुरानी आई मीन किसी हैबिट को बताता है, यूज टू लिख लीजिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हो सकता है, तो देखो यूज्ड टू के साथ ना कभी भी ना आगे ना पीछे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, यूज्ड टू खुद ही एक मॉडल वर्ब है ना, यूज्ड टू खुद ही एक मॉडल वर्ब है, तो उसके बाजू आजू बाजू कोई वर्ब वर्ब नहीं चाहिए उसको, तो ये वॉज वॉज जो है ना इन सबको काट दो, ठीक। अब देखो क्या बचा, यूज्ड और यूज, अब मैंने आपको बताया है यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है, यूज का मतलब क्या होता है इस्तेमाल करना, ठीक, तो यहाँ पे इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही, ये ऐसा बता रहे हैं कि आई डैश टू डांस। अब आपको क्या, आपको कैसे पता चला कि ये पुरानी आदत बता रहे हैं, भाई ये भी तो देखो ना, अब डांस को इस्तेमाल थोड़ी करेंगे, डांस को क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यूज तो नहीं, इस्तेमाल तो तुम्हारा किया गया है, बेरोजगार रह गए तो खैर छोड़ो, भावनाओं पर क्यों जाना, तो ठीक है, तो यहाँ पे यूज नहीं आएगा, है ना, क्या आ जाएगा, यूज आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन, आई मीन पहला ही फिलर आपने अगर फिल कर दिया तो दूसरे वाले में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान आसान सा आता है आपके पेपर में, आई यूज्ड टू डांस यानी मैं डांस किया करता था या करती थी, बट नाउ आई, उसके बाद हैव स्टॉप्ड, ठीक है, बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड, अब मैं डांस नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, मैंने बंद कर दिया। अच्छा एक और चीज़ आप देख सकते थे, बताए कि यहाँ पे आई लगा है ना, तो अगर आपको ऑप्शंस काटने होते ना तो आप ये भी देख के काट सकते थे, देखो हैज लगा हुआ है तो होगा नहीं, हैज लगा हुआ है तो होगा नहीं, ठीक है, वैसे भी कर सकते थे आप, तो ऑप्शन एलिमिनेशन सीखिए, है ना, क्वेश्चन आंसर तो ठीक है सब जगह मिल जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस के, बट आप थोड़ा सा अप्रोच पे ध्यान दीजिए कि कैसे किसी क्वेश्चन पे जंप करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डैश ऑल द प्लेयर्स, किरण इज द बेस्ट ऑलराउंडर। अब सबसे पहले तो आप अपन ऑप्शंस में चलेंगे, एक है अबाउट, अबाउट मतलब क्या होता है, बारे में, है ना, बारे में, अब किस चीज के बारे में, तो किसी भी चीज के बारे में, जैसे मैंने कहा आई वाज टॉकिंग अबाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ, ऑफ का पहले ही बता चुकी हूँ, बिलोंगिंग में होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्वेश्चन लेके क्यों आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन दो ऑप्शन के लिए, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे किसी का भी पेपर हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, चाहे बैंक का हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट टाइमिंग ध्यान देना, ये दोनों ही क्या करते हैं, तो बंटवारा करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, कैसा वाला, तो देखो बिटवीन लगाया जाता है जब दो लोगों की बात हो, दो लोगों या दो चीजों, है ना, यानी दो की जब भी बात हो, दो लोगों या चीजों, ठीक, जब भी दो लोगों या दो चीजों की बात होगी आप बिटवीन लगाएंगे, और जब भी मोर देन टू की बात होगी, लिखते जाना भाई, है ना, ऐसे देखते मत रहना बैठ के, जब भी दो लोगों, दो चीजों, दो जगहों, दो किसी भी तरीके की चीज, सिर्फ दो, नंबर दो याद रखो, अगर दो की बात होती है तो बिटवीन लगाओगे, और अगर दो से ज्यादा की बात होती है तो अमंग लगाओगे, ठीक है, दो की बात है तो बिटवीन, दो से ज्यादा की बात है तो अमंग लगाओगे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डैश ऑल द प्लेयर्स, ठीक, यानी सभी प्लेयर्स में
किरण इज द बेस्ट ऑलराउंडर, जो किरण है वो सबसे अच्छी ऑलराउंडर है। अब देखिए सबसे पहले याद रखिए बात की है तो कट जाएगा क्योंकि संबंध कहीं किसी का नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पे अबाउट ऑल द प्लेयर्स, ठीक है, अब यहाँ पे हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी प्लेयर्स हैं उनमें से किरण जो है वो बेस्ट है। अब आंसर तक तो आप यूं ही पहुंच गए होंगे क्योंकि यहाँ लिखा है ऑल द प्लेयर्स यानी सभी प्लेयर्स, अब सभी प्लेयर दो तो प्लेयर होंगे नहीं, कोई भी ऐसा गेम नहीं है मतलब जिसमें ऑलराउंडर होता हो और सिर्फ दो ही होते हो, होता भी होगा तो गाली मत देना, मेरा कोई इतना जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यूं तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन भी नहीं आ सकता, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3 अमंग आएगा। बिटवीन क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द प्लेयर्स, ठीक है, यहाँ पे अगर मेंशन होता टू प्लेयर्स तो क्या हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिटवीन हो जाता, लेकिन यहाँ पे अभी दो से ज्यादा की बात हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ पे अमंग यूज करेंगे, ठीक। लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कल के वीडियो को आपने बहुत तेज वायरल करवाया है, 8,000 आई थिंक पहुंच जाएगा थोड़ी देर में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अपन ऐसे ही डेली पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मुंबई इज डैश वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, इट इज़ वन ऑफ डैश मोस्ट थ्राइविंग बिजनेस सेंटर्स इन द कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहला तो मिसकंसेप्शन आपका थोड़ा सा दूर करना चाहूँगी मैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा पता होता है कि स्वर और व्यंजन, यानी जब भी स्वर हो यानी ए ई आई ओ यू हो तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और जब भी अपार्ट फ्रॉम दैट यानी कोई व्यंजन हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। अब ये गलत है, ठीक है, ये अधूरी है। जब आप बचपन में छोटे थे तो आप क्या है कि उच्चारण तो जानते नहीं, तो किसी भी वर्ड्स को कैसे, किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनंशिएट करना है, तो आपको मास्टर साहब ने ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता दी कि भाई ये ए ई आई ओ यू ढूंढ लेना और उस हिसाब से लगा देना, जो कि इनकम्प्लीट है। देखो इंग्लिश क्या है, भाषा है, और भाषा हमेशा फिनिक्स पर डिपेंड करती है, आप बोलते कैसे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा उच्चारण देख के आर्टिकल लगाना होता है, यानी आपको ए लगाना है, एन लगाना है, क्या लगाना है, ये डिपेंड करेगा किसके, प्रोनंशिएशन पे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए बहुत बेसिक सी चीज़ें, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी, अब मैंने कहा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप क्या लगाओगे, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मैम एन लगा देंगे, यू से चालू होती है स्पेलिंग। भाई यू से स्पेलिंग चालू होती है, लेकिन क्या तुम उसको कैसे लिखते हो, तुम ऐसे नहीं लिखते उसको, क्या तुम उसको यू से चालू नहीं करते हो, ठीक है, ऐसे करके लिख देना, ठीक। अब आपको कि हाँ मैम यू से ही चालू करते हैं, तो यू किस में आता है, व्यंजन में आता है ना, तो इसलिए कभी भी यूनिवर्सिटी के सामने एन नहीं लगाया जाता है, क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा, और आपके पेपर में यही चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना, बड़ी चीज़ों को पढ़ते रहोगे, छोटी चीज़ें गलत करके आओगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन पे, मुंबई इज डैश वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, यानी मुंबई जो है वो बहुत ही महंगी जगह है रहने के हिसाब से, है ना। इट इज़ वन ऑफ डैश मोस्ट थ्राइविंग बिजनेस सेंटर्स इन दी कंट्री, यानी कि मुंबई में जो है थ्राइविंग बिजनेस मतलब बहुत ज़्यादा गति से ग्रो करना, ठीक है, थ्राइव करना मतलब, तो ये मुंबई एक जो जगह है, ये मतलब यहाँ पे बिजनेस सेंटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गति से ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली बात तो वी लगा हुआ है, वी को हम कैसे प्रोनंशिएट करते हैं, वेरी, वाह, ठीक है, तो एन तो नहीं आएगा, क्यों ना हम एन वाले ऑप्शंस को काट दें, तो खैर काटने की जरूरत नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक और बात, जो द है वो द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी वो निर्धारित होकर होता है कि वो कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ कोई नदी नाले ऐसी वाली कोई बात, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही, साथ ही साथ यहाँ पे किसी वेरी का कोई आगे डिस्क्रिप्शन नहीं है जिसके पहले हम लगाएं, ठीक है, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, आप इन दोनों ऑप्शंस को बढ़िया से काट सकते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। और याद रखिएगा मैं आपको एक देसी तरीका बता देती हूँ कि जब भी आप सेंटेंस को पढ़ें और हिंदी में उसका मतलब, एक जैसे मान लो अभी मैंने बोला था, मैंने इसका मतलब क्या बताया था कि मुंबई इज अ, चलो हटा दो, तो मुंबई इज डैश वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, यानी मुंबई, मैंने क्या बोला था, मुंबई एक बहुत महंगी जगह है, ये एक जो मैंने बोला ये तो हमने ऑटोमेटिकली आ गया ना हिंदी में, तो जब भी हिंदी में हमारे मुंह से एक निकले तब याद रखिएगा कि वहाँ पे ए या एन में से कुछ एक लगेगा, क्योंकि ए या एन उन दोनों का मतलब होता है एक सिंगुलर, ठीक है। तो ये एक निंजा टेक्निक है, इसको याद रखिएगा, इससे आपको कभी ए लगाना है या एन लगाना है ऐसा कन्फ्यूजन नहीं आएगा, द लगाना है ऐसा नहीं आएगा कन्फ्यूजन। तो ये तो हो गई बात, अब दूसरे वाले में अपन चलेंगे, देखो ये दोनों में ही एन ए है, अब दूसरे में चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ है याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा, लिख लेना कहीं पे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हमेशा हम लगाते हैं आर्टिकल द, ठीक। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, और एक यहाँ पे देखना, ठीक, ध्यान से देखना पेपर का, अगर आपके लेवल बढ़ाया गया तो ही ये सवाल आएगा जो मैं अब बताने वाली हूँ, अदरवाइज नहीं आएगा। याद रखिएगा कि जब भी ऐसे वन ऑफ द
मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट, ऐसा करके कुछ लिखा हो, जब भी अब लिख लेना कहीं पे, जब भी ऐसा लिखा हो वन ऑफ द मोस्ट ऐसा लिखा हो, और इसके जस्ट बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका जो है नाउन आएगा, जो जैसे यहां देखो ये नाउन लिखा हुआ, ठीक, ये तो मतलब ये तो वर्ब है हमारी, इसके बाद जो भी नाउन आएगा हमारा, है ना, वो हमेशा कैसा रहेगा, एक सेकेंड, ये कंबाइंड नाउन है, ये कंबाइंड है यहाँ तक, ठीक है, गलती से मैंने इसको मार्क कर दिया था। अब जो भी नाउन आएगा ना वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट के बाद जब भी जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट टीचर्स, टीचर नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट के बाद हमेशा जो नाउन है वो कैसा होगा, नाउन एन बना देती हूँ और लिख देती हूँ प्लूरल। याद रखना, यहाँ से भी एरर पूछे जाते हैं, जो भी ठीक ठाक एग्जाम्स हैं उन सब में पूछे जाते हैं, अगर लेवल बढ़ा तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है भाई। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो आपको द लगाना है। अब ये देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तीन डिग्री होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो मोस्ट है ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, मच मोर मोस्ट, ठीक। चलो तो बस ये हटेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेती हूँ और थोड़ा जल्दी करेंगे, अगेन सेम चीज़ है, आर्टिकल पर ही बेस्ड है। आई हैव नॉट सीन रवि सिंस ही वॉज डैश टीनेजर। अब मैंने कहा कि जब इसका हिंदी करूंगी तो मैंने रवि को तब से नहीं देखा है जब से वो टीनेजर था, जब से वो एक टीनेजर था। जाहिर सी बात है टीनेजर कोई महान शब्द नहीं है, टीनेजर के बाद हम इस टीनेजर का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, यानी द यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन कट जाएगा। हम जो टा वर्ड है, टा ये क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में टा से प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो यहाँ पे अब कॉन्सोनेंट वाले केस में आ गया, यानी एन भी नहीं लगेगा, तो आर्टिकल ए बनेगा यहाँ पे। इसके बाद हम आएंगे तो ही इज डैश। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, वही मेरा जो मैंने बताया था आपको कि आपको इनकम्प्लीट पढ़ाया जाता है बचपन में, ऑनरेबल, ऑनरेबल एच से चालू हो रहा है, ठीक है, एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, हम कैसे बोलते हैं इसको, ऑनरेबल, ठीक है, हम कैसे बोलते हैं, ओ का उच्चारण करते हैं, हम कभी भी हॉनरेबल नहीं बोलते, और जो लोग हॉनरेबल बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, सुधार लेना। तो हम आ का उच्चारण करते हैं, यानी ये क्या है, ये एक वॉवल है, ठीक है, इसलिए हम ऑनरेबल के पहले हमेशा क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, यानी अब क्या बचा हमारे पास, ये भी चला गया, एक बचा बस, है ना, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव नॉट सीन रवि सिंस ही वॉज अ टीनेजर। मैंने रवि को तब से नहीं देखा है जब से वो टीनेजर था। टीनेज कौन सी होती है, ये अपनी जो है जस्ट 13-14 ऐसा ना, जिनमें टीन आता है वो होती है टीनेजर, टीनेज। ही इज एन ऑनरेबल मैन। वो एक कैसा है, ऑनरेबल मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टेड, ठीक है, तो एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति है। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे विल मीट अस देयर, वो हमें वहां मिलेंगे। ध्यान देना है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न पूछल ले, ठीक है। क्वेश्चन टैग बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी होती है कि हमेशा सबसे पहले आप बनाने के लिए क्या ढूंढते हो, हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हो, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल है। अब फिर क्वेश्चन का सेंटेंस देखोगे, क्वेश्चन का कह रही हूँ, सेंटेंस को देखोगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव। याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव यानी नकारात्मक बनेगा, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दे विल मीट अस देयर, यानी वो हमें वहां मिलेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा, और अगर नहीं बनाना है तो नहीं आएगा, फिलहाल यहाँ नॉट आएगा, ठीक है। और प्लस फिर क्या, प्लस फिर जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसके लिए प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसका नाम ही क्वेश्चन टैग यानी प्रश्न पूछल ले। ध्यान देना, हमें हेल्पिंग वर्ब विल मिल चुकी है, तो विल से इसकी शुरुआत होगी, विल प्लस नॉट रहेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किए जाते हैं, यानी कि हमेशा जो ये विल नॉट है इसको क्या बोलेंगे, वॉन्ट बोलेंगे, छोटा कर देंगे, हैज नॉट है तो हैजंट, ठीक है, हैव नॉट है तो हैवंट, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक। तो अब ऑप्शंस काट दो, इज नहीं आएगा, ठीक, विल दे, अब यहाँ पे ये दे विल तो होगा नहीं, ये शुरुआत होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब विल है, विल कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है, और इसको ध्यान दीजिएगा, ये विल दे पॉजिटिव है, ये होगा नहीं, विल प्लस नॉट एनी वॉन्ट, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, जो चीज़ें ना आए वो पीछे कर करके देखते जाना, है ना, और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना, ठीक। अब देखो वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है ना,
अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपन पढ़ते रहे तो उसको थोड़ा सा इधर उधर फैला देना ताकि मेहनत साकार रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।